बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये क्या है? धूप। जब इतनी ज़्यादा सख्त सर्दी में आपको यूके में धूप मिले, सो मैं कहता हूँ अलग अलग लाख शुक्रिया धूप। तो आज काफ़ी दिनों बाद स्नो फॉलिंग, बारिश के कंसिस्टेंटली होने के बाद आज धूप निकली है, तो और बड़ा मज़ा आया। तो आज मैं नहाया ठंडे पानी से, फुल ठंडे पानी से पीछे नहाना आया हूँ। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। जब मैं इस घर में नया शिफ्ट हुआ था, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। जब उससे पहले यहाँ का मालिक था, उसने जो लगवाया हुआ था गैस, वो था यूटिलिटी, ठीक है, कंपनी है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता दूं, हमारे पाकिस्तान में जब बिजली और गैस आप लेते हो, सिर्फ दो कंपनीज है, वापडा या सुई गैस, ठीक है, सुई नॉर्दर्न गैस। ये दो कंपनीज के अलावा आपको ये चीज़ें कोई नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। मे बी कुछ छोटी मोटी सोसाइटियाँ जिन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, अदर देन आप लोगों को ये दो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट इन द यूके देर आर सो मैनी डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, ब्रिटिश गैस, यूटिलिटी वेयर हाउस, यू स्विच, ये सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, आप चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यूटिलिटी को कॉल की कि हमारे से ये प्रॉब्लम है, हम लोग पे एस गो, हमारा यहाँ पे मीटर नहीं लगा हुआ, छोटी सी डिवाइस होती है, पैसे डालो, जितने पैसे होंगे चलते जाएंगे, जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे, जिस तरह आपके मोबाइल में पैसे होते हैं, पैसे यूज़ करते 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 जब खत्म हो जाएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगी गैस, ठीक है। फिर आपको 15 पाउंड का क्रेडिट, जिस तरह मोबाइल में आपको ना क्रेडिट मिलता है कि आप उनके अच्छे कस्टमर होते हैं, जैसे पोस्टपेड कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, पोस्टपेड की यहाँ बात नहीं है। तो वो आप लोगों को फ्री, हमारे जो यहाँ पे ना वर्कर्स काम कर रहे थे, वो भी सेंट्रल लिंक्स यूज़ कर रहे थे। तो हम लोग ना काफ़ी मंथ से ना यूज़ कर रहे थे, जब घर बन रहा था, सर्दी थी, वर्कर्स काम करते थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग काफ़ी देर से क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं, तो एक पॉलिसी है, हम आपको स्विच नहीं कर सकते, इतने टाइम के बाद करेंगे, 3 to 4 months का उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया, तो टाइम नहीं था हमारे पास, काफ़ी पैसे लग रहे थे। सो उन लोगों को हमने कहा कि हम आपकी कंपनी छोड़ रहे हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे भाई देख रहे होंगे जो कस्टमर सपोर्ट में करते हैं, जिस तरह कहते हैं कि नहीं 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 सर, आप कंपनी मत छोड़ेंगे, वो खैर उन्होंने इस तरह कहा और हम लोग अब दूसरी कंपनी में हो गए हैं स्विच। यूटिलिटी गैस देता है, ठीक है, यूटिलिटी वेयर हाउस बिजली भी देता है, गैस भी देता है, इंटरनेट भी होता है, वेयर हाउस टाइप, ये सारी चीज़ें उनके वेयर हाउस में होती हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। सो यूटिलिटी सिर्फ गैस देता है, ठीक है, आई थिंक बिजली भी देता है, ठीक है। सो अब यूटिलिटी वेयर हाउस ने हमें 6 weeks दिए हैं कि आप लोगों के 6 week में मीटर लग जाएगा। अब हमारी वीकली 30 pound लग रहे हैं, ठीक है, ये आराम से इस चीज़ पे, ये जो सेंट्रल लिंक सिस्टम होते हैं, ठीक है, हर कमरे में लगे होते हैं, बट नीचे वाले हैं वो लंबाई में है, ये इस चीज़ में गुलाई में है, ठीक है, और मेरे बिना इस तरह है। अब वो 6 week में कह रहे हैं और बस ये प्रॉब्लम है, और मेरे मोबाइल का भी बिल 60 pound आ गया है, ठीक है। आउटगोइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो कि यहाँ के लोकल लोग हैं उन सबको पता है इन चीज़ों का, बखूबी वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस पर चल भी रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या सिस्टम है, वेट कर रहे हैं कि कब वो आते हैं, कब इम्प्लीमेंट करते हैं, कब मीटर लगता है। नीचे वाला घर हमारा इतना ठंडा है, इसके पीछे भी एक बड़ी रीज़न है, मैं आपको लेके चलता हूँ कि वो घर नीचे क्यों ठंडा है, ठीक है, लेट्स गो। हवा से उड़कर सारे बिन से बाहर आ गए हैं, ठीक है, वीक में एक दिन आते हैं, ठीक है। चलिए जिस चीज़ के लिए मैं सर्दी में बाहर आया ना, ये देखिए, ये तो दो चीज़ें हैं ना, मैं बैठ ही जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, 1 and 2। अब मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, पेचकस नहीं है, ताकि मैं इसको खोल सकूं और इनको निकाल के इसके अंदर मैं कपड़ा रख सकूं, ताकि यहाँ से हवा ना जाए, या ये वेंटिलेटर्स होते हैं, यहाँ से जब हवा अंदर जाती है तो सारा कमरा आपका ठंडा हो जाता है। मेरे सोफ़ों के नीचे से बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है, अब इसको मैंने यहाँ से खोलना, 1 2 3 4, ठीक है, तो सारा करके मैंने इनके अंदर ना कपड़े दबा के रख देने, दोबारा इसको लॉक कर देना, तो क्या इसको लेटर ऑन करेंगे, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर्स नहीं है। तो ये यहाँ का ये गली है, पता नहीं कहाँ जाती है, ठीक है, नहीं क्या है, और ये गमला पड़ा हुआ, ये है सारा सिस्टम यहाँ का, बस सफाई होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे बहुत गंद पड़ा हुआ है, ठीक है। लेटर ऑन मैं जब थोड़ा फ्री होगा ना, इंशाल्लाह मैं इसको साइड पे करूँगा, बिन के अंदर डालूंगा, बिन भी। सो गार्लिक को अच्छी तरह चॉप कर देना है, सो एक बड़े प्याज को अच्छी तरह आप लोगों ने चॉप कर लेना है। यहाँ मैंने 4 अंडे उबालने के लिए रख लिए, ठीक है, और यहाँ मैंने बीफ रख दिया है, पानी, प्याज और नमक मिर्ची डाल देना कि अच्छी तरह नरम हो जाए बीफ, ठीक है। और यहाँ पे प्याज चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली है, और एक टमाटर चॉप कर लिया, हरी मिर्च मैंने साइड पर कर लिया, और टमाटर भी। तो अंडे बॉईल हो गए हैं, मैंने साइड पे निकाल लिए, अब पाके पके दिखाते हैं। तो ऑयल डाल के मैंने प्याज डाल दिए, ठीक है, जो गोश्त हो रहा था वो ऑलमोस्ट नरम हो चुका है, ठीक है। इधर का मसला ये है, यूके का चूल्हे बहुत क्लोज हैं, और ये चूल्हे हैं मतलब ये मुझे नहीं अच्छे लगे, ठीक है, दो देखचियों को रख लूँ साथ आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो इस तरफ है तो समझ नहीं आई है, इसको मैं यूँ भी नहीं कर सकता, ना मैं इसको यूँ कर सकता हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट। तो साथ ही आप टमाटर थोड़े डाल देंगे। सो यहाँ मैंने पतीले में चावल चढ़ा दिए ताकि अच्छी तरह नरम हो जाएं, इसको तह लगाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनकी, और यहाँ ऑलमोस्ट बीफ बन चुका है, इसको भी निकालते हैं।
तो जी मैंने पहले तह लगा दी है, ठीक है, और बीफ को मैंने डोंगे में निकाल लिया है और अंडा भी काटना है। यहाँ पे जो आप लोगों ने अंडा बॉयल किया था उसको काट के रखना है और साथ साथ आप लोगों ने तह लगानी है और जो कढ़ी थी वो डालनी है और चावल फिर डालने हैं। इस तरह तह लगाते लगाते साथ ही एक तह, दो तह, तीन तह लगाते हुए आप लोगों ने इसको एट द एंड दोबारा तह लगानी है, ठीक है। सेकेंड तह लग रही है और उसके बाद देख रहे हैं साथ मैं चावल इस पर डाल रहा हूँ। अच्छी तरह फैला देने मैंने चावल ताकि ये कवर हो जाए जितना मैंने डाला है। और दोबारा मैंने मिनट के लिए डाल के अंडा डाल के इसको दम पे लगा देना। देखिए दम मैंने तवा ले लेना, उसको अच्छी तरह गर्म करना है, देन कपड़ा घुमाकर 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देना, छोड़ देना। तो जी बिरयानी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, तो खाइए खाते हैं। जी मैं बस से उतर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस है यहाँ की 97 नंबर बस होती है, अब मैं घर जा रहा हूँ, मौसम बहुत मज़े का। तो खैर जॉब से मैं भी आया हूँ, रात के बज रहे हैं 11, ठीक है, ठंड कम हो गई है। और खैर आज का व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया करें। एक छोटा सा रेड बटन आपके दबाने से कुछ नहीं जाएगा आपका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो मैं और लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सो खैर चावल खा रहा हूँ मैं, आपके पास बैठा हूँ, मुझे याद आ गया कि मतलब आपके पास बैठ के हम सारे बैठ के भाई बहन बैठ के खाना खाया करते थे। सो आग वो ये नहीं थी होती, इधर तो बड़ा मम्मी डैडी माहौल है। सो इधर इस तरह करके ये देखिए चावल और ये सर्दी बहुत ज़्यादा है। सो खैर अल्लाह हाफिज़, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। Allah Hafiz.